News 18, India. और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज की बात करेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कांग्रेस अध्यक्ष से मुलाकात की है। दोनों नेताओं के बीच काफी देर तक बातचीत हुई। मुख्यमंत्री बनने के बाद चंपई खड़गे की ये पहली शिष्टाचार मुलाकात थी, लेकिन एक बात तो तय है कि झारखंड के मौजूदा सियासी संकट को देखते हुए ये बैठक बहुत अहम मानी जा रही है। बैठक के बाद बाहर निकले सीएम चंपई सोरेन ने कहा कि खड़गे से उनकी ये मुलाकात एक शिष्टाचार मुलाकात थी, उनसे किसी दूसरे मसले पर बात नहीं हुई है। कांग्रेस विधायकों की नाराजगी के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस पार्टी का मामला है, लेकिन सवाल ये है कि जब इस वक्त कांग्रेस और जेएमएम के तमाम जो विधायक हैं वो इस वक्त जद्दोजहद कर रहे हैं सरकार को बचाने को लेकर, ऐसे में ये कैसे संभव है कि चंपई सोरेन की कांग्रेस के नाराज विधायकों को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे से किसी भी तरह की कोई बात नहीं हुई हो। तो ये बड़ी अपडेट आपको बताएं, झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कांग्रेस अध्यक्ष से मुलाकात की है। आपको बताएं 12 ऐसे नाराज विधायक हैं जिनको मंत्रिमंडल में जगह न मिलने की वजह से वो दिल्ली पहुंचे। हालांकि आपको बताएं कि 4 विधायकों को और पहुंचना था, लेकिन 8 विधायक ही पहुंचे हैं और बाकी के जो 4 विधायक हैं वो झारखंड से दिल्ली नहीं आ रहे हैं। ऐसे में 8 विधायक हैं जो कि दिल्ली में मौजूद हैं, जिनको मुलाकात करनी है मल्लिकार्जुन खड़गे से। उन्हें अभी तक समय नहीं दिया गया है, लेकिन उससे पहले ही झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कर चुके हैं। हालांकि उनका दावा यही है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद मेरी ये पहली शिष्टाचार मुलाकात थी, लेकिन कांग्रेस के जिस तरीके से विधायक नाराज हैं, ऐसे में कैसे संभव है कि मल्लिकार्जुन खड़गे की बातचीत चंपई सोरेन से झारखंड में जो सियासी हालात बन रहे हैं उस पर ना हुई हो। लेकिन अब सवाल यह है कि जिस तरीके से झारखंड में जो सरकार बनी है उसके मंत्रिमंडल में पुराने ही विधायकों को मंत्रिमंडल में रिपीट कर दिया गया है, इससे वहां पर नाराजगी है। इससे कांग्रेस कैसे निपटेगी, कांग्रेस आलाकमान क्या किसी भी तरह से कोई डील चंपई सोरेन सरकार से करेगी? जो पुराने पहले से ही मंत्रिमंडल में जगह दी गई पुराने विधायकों को, क्या उन्हें हटाकर नए विधायकों को जगह दी जाएगी? दिल्ली में जो 8 विधायक मौजूद हैं, ग्राफिक्स के जरिए हम बता रहे हैं कौन कौन है। अनूप सिंह दिल्ली में मौजूद हैं, डॉक्टर इरफान अंसारी दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने के लिए मौजूद है। अंबा प्रसाद ने सवाल उठाया है कि हमारी उम्र कम है तो इससे क्या होता है, हम काम तो करते हैं। भूषण बाड़ा भी हैं, दीपक पांडे सिंह भी दिल्ली में मौजूद है। हमारा शिष्टाचार भेंट हुआ एक सरकार गठन करने के बाद पहला दिन हम दिल्ली भी आए हैं और हमारा शिष्टाचार भेंट है और बाकी बात हम लोग का बाद में होगा। सर, सीट शेयरिंग को लेकर कोई बातचीत हुई? उसका लिए हम लोग सेकंड टाइम में होगा। देखिए वो सब बात हमारा साथ नहीं हुआ है, हमने शिष्टाचार भेंट करने आया है, वो उनका दल का बात है, आप लोग उन लोग बात कर लेंगे। और इधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से पहले झारखंड के सीएम चंपई सोरेन ने न्यूज 18 इंडिया के सवाल पर कहा कि झारखंड सरकार पर कोई संकट नहीं है। विधायकों की नाराजगी पर उन्होंने कहा कि जेएमएम के विधायकों में कोई नाराजगी नहीं है, विधायकों की नाराजगी का मामला कांग्रेस का है, वो उसे देख लेगी। आपको बताया कि 27 जेएमएम के विधायक थे, वहीं 16 कांग्रेस के विधायक है और ऐसे में 12 विधायक कांग्रेस के तो नाराज ही दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें अब कांग्रेस आलाकमान मनाने की जिम्मेदारी ले रही है। और जेएमएम से चंपई सोरेन का यह कहना है कि ये तो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। कुल मिलाकर नाराजगी कितनी भी हो, लेकिन झारखंड सरकार जो है वो खतरे में तो कम से कम नहीं है। जो 12 विधायक नाराज है उससे आपकी सरकार पे कोई संकट है या नहीं है, क्या कैसे देखते हैं? ऐसा कोई संकट की बात नहीं है। जब हमारा दल के है विधायक, हम लोग आपने बात किया है, उस तरह की बात नहीं है। कहाँ से आप लोग को मिल जाते हैं हमको लेकिन हमारा दल के अंदर में सब ठीक ठाक।